आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना? मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। तुम लोगों के घर में आत्मा है। हकीकत तो यही है कि उसने इस लड़की की चीखों में छिपे दर्द को पहचाना। कब आने वाले हैं आचार्य? सिखाने गए उन्हें विद्यापीठ में, लेकिन है कौन महाशय? बहुत बड़े तांत्रिक हैं। अभिनव त्यागी, उसने ही तुझे मुझसे मिलवाया। अरे मैं आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने पर तुला हुआ हूँ, और आप में इतनी इंसानियत नहीं है कि आप मुझे पानी के लिए भी पूछे। एक और डेथ जो नेचुरल लगता है लेकिन नेचुरल है नहीं। तीनों डेथ्स में एक ही चीज कॉमन है। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन क्या होनी को टाला जा सकता है? क्या नियति को बदलना मुमकिन है? टू बॉलीग्राडू स्टूडियोज। दोस्तों, कार्तिक आर्यन ने प्यार का पंचनामा फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म का बजट सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। एक छोटे से बजट से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कार्तिक आर्यन आज बड़ी बड़ी फिल्मों को साइन कर रहे हैं, और देखा जाए तो आज के समय में उनकी फीस उस फिल्म के बजट से डबल है कहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक आर्यन भूल भुलैया फिल्म में नजर आने वाले हैं। भूल भुलैया 2 सिनेमाघरों में 20 मई को रिलीज होने वाली है। दोनों स्टार्स फिल्म का प्रमोशन करने में जुटे हैं। फिल्म को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं और फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी सहित बाकी जितने भी स्टार कास्ट है उनकी फीस कितनी है फिल्म में। तो स्टार्ट करते हैं फिल्म के मेन लीड रोल से, कार्तिक आर्यन से। कार्तिक आर्यन फिल्म भूल भुलैया 2 में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। रूह बाबा की भूमिका में नजर आने वाले कार्तिक आर्यन इस फिल्म में 15 करोड़ रुपए फीस के तौर पर चार्ज कर रहे हैं, मतलब कि अपनी पहली फिल्म के बजट से 2 गुना। नेक्स्ट है कियारा आडवाणी। फिल्म भूल भुलैया में कियारा आडवाणी भी लीड रोल में है। कियारा आडवाणी को फिल्म में काम करने के लिए 4 करोड़ रुपए की फीस पे की गई है। नेक्स्ट तब्बू। तब्बू को फिल्म भूल भुलैया 2 में काम करने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तब्बू फिल्म में जो किरदार कर रही हैं, इससे मिलता जुलता किरदार वो फिल्म गोलमाल अगेन में ऑलरेडी प्ले कर चुकी है। राजपाल यादव। फिल्म भूल भुलैया 2 में राजपाल यादव एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जो फिल्म भूल भुलैया में भी ऑलरेडी नजर आ चुके थे। राजपाल यादव को फिल्म भूल भुलैया 2 के लिए 1.5 करोड़ रुपए फीस के तौर पर दिया गया है। नेक्स्ट है संजय मिश्रा। अपनी कॉमेडी के लिए पॉपुलर एक्टर संजय मिश्रा भी फिल्म भूल भुलैया 2 में नजर आएंगे। इस फिल्म में काम करने के लिए संजय मिश्रा को 70 लाख रुपए दिए गए हैं। अमर उपाध्याय। टीवी एक्टर अमर उपाध्याय भी फिल्म भूल भुलैया 2 में काम करते दिखाई देंगे। अमर उपाध्याय को तब्बू के पति का रोल करने के लिए 30 लाख रुपए दिया गया है। राजेश शर्मा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित एक्टर राजेश शर्मा इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। राजेश शर्मा को इस फिल्म के लिए 20 लाख रुपए फीस के तौर पर दिया गया है। नेक्स्ट है मिलिंद गुनाजी। मशहूर एक्टर मिलिंद गुनाजी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। फिल्म भूल भुलैया 2 में काम करने के मिलिंद गुनाजी को 5 लाख रुपए दिया गया है। वेल, तो ये थी फिल्म की स्टार कास्ट और फिल्म के स्टार कास्ट की फीस कि कौन कितने करोड़ रुपए ले रहा है। अब देखना है कि फिल्म में कौन कितना धमाल मचाता है, और कार्तिक आर्यन के इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, मतलब कि सीधा डबल। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। कार्तिक आर्यन बिजनेस क्लास में क्यों नहीं करते सफर? आखिर कार्तिक को देखकर सुशांत सिंह राजपूत की याद कैसे आई फैंस को? कब रिलीज होगी कार्तिक की भूल भुलैया 2? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, कार्तिक आर्यन इन दिनों भूल भुलैया 2 का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में टी सीरीज ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कि कार्तिक 4 अलग अलग शहरों में जमकर भूल भुलैया 2 का प्रमोशन कर रहे हैं। साथ ही
थिरकते हुए, डांस करते हुए फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं और फैंस भी उनके साथ होना बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अब आपको बता दें, रिसेंटली चंडीगढ़ गए थे कार्तिक आर्यन क्योंकि उन्हें प्रमोशन के लिए जाना था और ऐसे में उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ फोटोग्राफ्स क्लिक की, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए। कार्तिक फैंस से पूछते हुए नजर आ रहे थे कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। ऐसे में फैंस उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तभी ऐसे में एक यूजर ने कार्तिक से पूछा कि आप बिजनेस क्लास में सफर क्यों नहीं करते। इसका कार्तिक ने बहुत ही साधारण तरीके से जवाब दिया, उन्होंने कहा टिकट महंगी थी। कार्तिक के इस कमेंट को लोग बहुत ज्यादा क्यूट और डाउन टू अर्थ बता रहे हैं। आपको बता दें, कियारा का ड्रेस बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था और कार्तिक उनके सामने खड़े हो गए और कियारा को ऊप्स मोमेंट से बचा दिया। ये वीडियो जमकर वायरल हुआ और ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत को याद किया क्योंकि सुशांत ने भी एक बार कृति सेनन को ऐसे मोमेंट से बचाया था। वही दोस्तों, भूल भुलैया 2 को फैंस बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार में है कि कब ये रिलीज़ हो और थिएटर में वो तहलका मचाए। आपको बता दें, भूल भुलैया 2 के आने के साथ साथ पहली भूल भुलैया के साथ भी जमकर कंपैरिजन हो रहा है। कार्तिक के कंधों में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। जब कार्तिक से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि कोई कंपैरिजन नहीं है, हमने अलग तरीके से फिल्म को रखने की कोशिश की है, स्टार कास्ट अलग है। अक्षय से कंपैरिजन में कार्तिक ने कहा कि अक्षय को हम बचपन से देखे आए हैं और वो हमारी इंस्पिरेशन है, उनके साथ कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। तो कार्तिक की यही बातें फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब भूल भुलैया 2 से वो तहलका मचाने को तैयार है। मैच कर पाएंगे कार्तिक आर्यन या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीवुड स्टूडियो। की आखिर कितने करोड़ की हुई OTT डील। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, कार्तिक आर्यन अपनी नई फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उनकी ये फिल्म साल 2022 25 मार्च को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में कियारा आडवाणी, तब्बू और राजपाल यादव अहम भूमिका में है। आजकल के ट्रेंड के मुताबिक फिल्म अगर थिएटर्स में पहले रिलीज हो जाती है तो वो महीने दो महीने बाद किसी और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है। कुछ ऐसा ही भूल भुलैया 2 के साथ भी होने जा रहा है। 25 मार्च को थिएटर पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया जाएगा। अमेजन ने इस फिल्म को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए मेकर्स के साथ पूरे 30 करोड़ रुपए की डील की है। उम्मीद है कि प्राइम वीडियो पर ये फिल्म अप्रैल के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें भूल भुलैया 2 की तो कार्तिक आर्यन साल 2007 में आई भूल भुलैया के अक्षय कुमार की तरह नजर आएंगे। फिल्म से कार्तिक के कई लुक सामने आ चुके हैं। पहले पार्ट से राजपाल यादव भी इस फिल्म में होंगे, जबकि दूसरी ओर आपको बहुत सारी अदर कास्ट देखने को मिलेगी। सारी स्टार कास्ट नई है। कार्तिक आर्यन के अभी तक के लुक के मुताबिक कभी वो पीले तो कभी काले रंग के कपड़ों में नजर आने वाले हैं। उनके हाथ और गले में रुद्राक्ष नजर आएगा, साइड में गेरुए कलर का एक बैग नजर आएगा। कहा जा रहा था कि फिल्म में विद्या बालन भी होगी, मंजुलिका का किरदार वो निभाएंगी, लेकिन ये सब एक महज अफवाह बनकर रह गई है क्योंकि इस बार विद्या बालन की जगह हमें तब्बू देखने को मिलेगी। लेकिन जो विद्या बालन ने किरदार प्ले किया था मंजुलिका का, वो आज भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं जिंदा है और कहीं ना कहीं विद्या बालन को ही सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस फिल्म में वो मंजुलिका बनेंगी, लेकिन अब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। हो सकता है कि तब्बू ये किरदार निभाए, लेकिन तब्बू भी अगर ये किरदार निभाती है तो अब तक जो भी उनकी एक्टिंग रही है, वर्सेटिलिटी रही है, इससे लगता है कि वो भी इस किरदार को बखूबी निभा सकती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भी फिल्म से कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, सस्पेंस बना हुआ है। हो सकता है कि अक्षय कुमार भी फिल्म में दिख जाए। तो पूरी तरह से अनीस बज्मी ने इसको प्लान करके रखा है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज वो हमें जरूर देंगे। तो कितना वेट है भूल भुलैया 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। जा रही है भूल भुलैया 2, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, अभिनेता कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की धमाकेदार फिल्म को लेकर काफी चर्चा है। हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया 2 की,
जो कि रिलीज के लिए तैयार है। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि फिल्म की रिलीज डेट टल सकती है, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि फिल्म अपने तय समय पर ही रिलीज होगी। तरण आदर्श ने ट्वीट किया, भूलभुलैया 2 नहीं होगी पोस्टपोन, भूलभुलैया 2 उसी तारीख को रिलीज होगी। #भूलभुलैया 2 अपनी पहली घोषित तारीख 25 मार्च को रिलीज हो गई। इससे फैंस काफी खुश है क्योंकि लगातार जिस तरह से कोविड की वजह से बड़ी बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट टल रही है, ऐसे में जो पब्लिक है वो भी परेशान है और चाहती है कि थिएटर में उन्हें मनोरंजन का साधन मिले, जिस वजह से वो वेट कर रहे हैं कि फिल्में जल्द से जल्द रिलीज हो। वहीं दोस्तों आपको बता दें, भूलभुलैया 2 में अक्षय कुमार भी कैमियो कर सकते हैं। विद्या बालन इस बार नहीं है, उनकी जगह तब्बू है। मेरे ढोलना सॉन्ग से विद्या बालन ने तहलका मचा दिया था और अब बस उन्हीं की कसरत रह जाएगी, लेकिन अगर फिल्म में वो होती है तो मजा दोगुना हो जाएगा। दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं भूलभुलैया 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।